हाँ चीज़ ये है कि मर्जी तो दर्जी की ही होती है, ठीक है ना, मर्जी तो दर्जी की ही होती है, सिर्फ ये होता है कि आप थोड़ा सा इलेक्टेड सेलेक्टेड या चूजन या इस तरह की चीज़, उसको वर्ड्स में उसका वज़न कम करके या वज़न ज़्यादा वाले वर्ड्स देख लो, तो ये होता ये कि पहले से जो है डिसीशन हुई भी होती है, ये चीज़ है। एक एक चीज़ बंदी हुई है, मैं एक बात बता दूं सबको, एक एक चीज़ बंदी हुई है। आपका लिखा हुआ है कि आपने इतने मन गोश खाना है पूरी ज़िंदगी में, आपने इतने 100 किलो चीनी जो है सूत लेनी है एक ज़िंदगी में, आटा इतना तक के, ये जो आपके जितने अप्लायंसेस हैं ये तक लिखी हुई हैं कि ये इतनी आएंगी लाइफ में, इतनी इतना ये होगा, किस तरह आएंगी, एवरी थिंग इज़ रिटन, बिकॉज द थिंग इज़ दैट नंबर्स डोंट लाए, ये लोहे महफूज की बात कर रहा हूँ, हर चीज़ लिखी हुई है। तो ये भी उसके अंदर पहले से लिखा हुआ है कि भाई आप जो है किस रास्ते जाओगे, और अगर जाओगे तो इस वजह से ये होगा, और इतने अरसा टिकोगे वहाँ पर, फिर आगे जाओगे कहीं और वहाँ पर इतना अरसा, ये सब चीज़ें लिखी हुई होंगी। जो एंड है ना आपका, जो एंड रिजल्ट है, वो आपकी अपनी कैपेसिटी के ऊपर होगा। अल्लाह ताला ने एक डिवाइस दी है दिमाग में जिसको मैं कहता हूँ सोच, उसकी आज़ादी है आपको, आप सोच सकते हो, और उसी सोच की बुनियादों पे कि आपकी जजमेंट होगी, और उसी सोच की वजह से आप जो है आगे जाओगे कि मैं चोजन हूँ, या ये कि इट वॉज मेंट टू बी, या ये कि आई चूज दिस पाथ। ये सारी चीज़ें आपकी सोच के ऊपर वही असर है, यानी कि दोज़ख जन्नत के फैसले भी आपके एक्शंस तो बाद में कराएंगे, पहले सोच करवाएगी, क्योंकि सोचता आदमी पहले है कि मैं ये कोई नहीं देख रहा वॉलेट उठा लूँ, सोचता पहले है बाद में करता है, तो बस वो जजमेंट आपकी शुरू हो जाती है वहाँ से।